आतिफ इस्लाम में कह रहे सब लोग उम्मीद खैरियत से होंगे। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक मैच रिव्यू होने वाला है। मैं मैच के ऊपर रिव्यू करने वाला हूँ। दो तीन बातें करनी है मुझे। बहुत अरसे से मैंने कोई भी मैच रिव्यू डाला। अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की इनिंग्स चल रही थी तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात करूँ। इसके अलावा ये कि बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है वो है कि अभी रिसेंटली, अच्छा जिनको नहीं पता उनको पहले मैं बैक एंड स्टोरी समझाऊंगा, वो ये है कि अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो लड़ाई का मसला चला है IPL के अंदर, फड्डे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, बंदा उसको बात कर रहा है। तो खैर जिसको वाली बात नहीं पता, बैक एंड पे स्टोरी कुछ यूँ है कि अभी आज से दो दिन पहले IPL में दो टीम्स का मैच हो रहा था, RCB और LSG। तो उसके अंदर विराट कोहली RCB के कैप्टन है। तो मैच ख़त्म होने के बाद, मैच के बीच में ही थोड़े बहुत पंगे हुए LSG के प्लेयर के साथ, नवीन उल हक। अच्छा नवीन उल हक के बारे में एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, एक तो अफगानिस्तानी प्लेयर है और पहले भी उनके बहुत ज़्यादा पंगे रहे। एक बार आप लोगों को याद होगा कि पहले भी आफरीदी के साथ उनका एक पंगा हुआ था, जिस पर आफरीदी ने उनको बहुत ज़्यादा डांट भी पिलाई थी मैच के बाद, और वो भी एक बहुत ज़्यादा वायरल स्टोरी हुई थी। तो उसके काफ़ी ज़्यादा किस्से हैं। और फिर आज पंगा तो उन्होंने कोहली से ले लिया। तो खैर अच्छा विराट कोहली, पहले सबसे पहले तो आप लोग यार क्लिप देख रहे हैं। अच्छा इसमें देखा जा सकता है कि विराट कोहली जा रहे हैं और पीछे पीछे गौतम गंभीर आए हैं, और गौतम गंभीर ने कुछ मतलब उसको बोला है विराट कोहली को कमेंट पास किया, जबकि विराट ने उसको बहुत ही सिंसियर तरीके से डील किया और उसको ज़्यादा हाइप ना बने कोशिश की उसने, और लेकिन फिर भी बस। और गौतम गंभीर तो खैर मशहूर है, नवीन उल हक तो खैर है ही, गौतम गंभीर तो शायद आफरीदी से फटे उसके और पहले भी 10,000 मसले, तो ये तो बहुत ही मशहूर ज़माना की बात है। तो और सब लोग ही जानते हैं बहुत ज़्यादा ये हमेशा खबरों में ही रहते हैं गौतम गंभीर। तो खैर ये हुआ सीन सबसे ज़्यादा। तो और ये बहुत ज़्यादा दो दिन से चल रहा है फाइट। RCB विराट कोहली ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, नवीन उल हक ने ये बोल दिया। तो खैर यही मामला थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ मैं डिस्कस करनी थी बहुत ज़्यादा जल्दी। अच्छा सेकंड चीज़ पे मैं आता हूँ, वो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ODI जो अभी चल रही है। एक तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान टीम को, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ODI। उन्होंने अपनी जो ODI उनकी 5 मैचों की सीरीज़ थी और तीसरा मैच कल रात में उन्होंने जीत लिया है, तो सीरीज अपने नाम कर लिए। अगर पाकिस्तान, अच्छा एक फैक्ट भी बताता हूँ हम लोगों को, अगर पाकिस्तान पाँचों के पाँचों मैच जीत जाता है यानी कि न्यूजीलैंड को वाइट वॉश करता है, तो नंबर 1 स्पॉट पे आ सकता है ICC रैंकिंग के अंदर। यह अनऑफिशियल है लेकिन यह है कि इंशाल्लाह ताला 5 मैच जीते, दुआ है मेरी, और नंबर 1 स्पॉट के पर आ जाए। अच्छा बाकी यह है कि बाबर आजम कल उन्होंने 19 रन से अपने 5,000 रन का जो लैंडमार्क है जिनको पूरा करना है वो रह गया उनका, तो होपफुली नेक्स्ट मैच में पूरा कर लेगा और वो फास्टेस्ट टू 5,000 रन भी हो जाएंगे। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ा है बंदा, बहुत ही ज़बरदस्त है यार, मेरा सल्यूट है, मेरा फेवरेट प्लेयर है। तो खैर पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, शाहिन आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, पाकिस्तानी बैट्समैन ने शुरू में थोड़ा, फखर जमान बहुत अच्छी फॉर्म में लेकिन आउट हो गए, लेकिन मामूल लग रहे जिस तरह से खेला है माम और बाबर ने, 108 की आई थिंक पार्टनरशिप उन्होंने की और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को अच्छे टोटल पर पहुँचाया। और कराची की भी जैसी है, कराची की भी जैसी 270-280 डिफेंडेबल चीज़ है, जो एक हम लोगों ने देखा 26 से पाकिस्तानी टीम जीत गई मैच। तो खैर बस यही था, मैं थोड़ी बहुत ये चीज़ डिस्कस करनी थी, बहुत ज़्यादा हाइप चली थी, टॉपिक चलते हुए मुझे मैच रिव्यू बनाना था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर बात करूँ बिल्कुल। और आई होप यू गाइस लाइक इट। अच्छा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हैं, फौरन जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर जो फाइट हुई है तो उसके अंदर कौन आपको लगता है गलत है और क्या सीन हो सकता है। और पाकिस्तानी टीम के बारे में बताएं कि आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम 5-0 मारे न्यूजीलैंड को, और कौन आप लोगों का फेवरेट प्लेयर है। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।